बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ड्स मार्स। आज हम 19th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज, इन द फर्स्ट फोर मंथ्स ऑफ द करंट फिशल ईयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन द कंट्री रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन ऑफ डैश एनुअल बेसिस। जी, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो ये जो फर्स्ट फोर मंथ्स हैं, ये जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पाकिस्तान में कितना डिक्लाइन देखने को मिला है, जो एनुअल बेसिस पर कंट्री को इस चीज़ का सामना करना पड़ा। जी, ये 9.3% इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर टू, पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू अलाउ डैश ट्रांजिट ट्रेड थ्रू ऑल द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री आफ्टर द पोर्ट्स। जी, पाकिस्तान ने किस कंट्री के साथ जो ट्रेड करता था, बॉर्डर के थ्रू करते थे, पोर्ट्स के थ्रू करते थे, लेकिन अब उन्होंने इंटरनेशनली एयरपोर्ट्स के थ्रू उनके साथ ट्रेड को अलाउ कर दिया है, तो वो कौन सा कंट्री है? जी, अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ डिसाइड किया है कि वो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू भी ट्रेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड एज अश्योरिटी प्लान टू डील विद द रिसेंट फ्लड्स, कंजर्व रिसोर्सिस एंड रिड्यूस द फिशल डेफिसिट, सो नाउ देयर विल बी एन बैन ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। जी, कौन सी गवर्नमेंट ने हालात को मद्देनजर रखते हुए जो फ्लड से विक्टिम पीपल हैं, लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए जो रिसोर्सेज है, जो कन्वर्स रिसोर्सेज हैं, उनको उन्होंने बढ़ाया, और उन्होंने जो जो ज्यादा स्पेंडिंग हो रही थी गवर्नमेंट के अखराजात में, उनको कम करके उनकी मदद के लिए, जो उनके अखराजात उनको पूरा करने के लिए, उसमें उनके लिए हेल्प करने के लिए उनके बजट में इजाफा किया है, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है उनको लो किया है। तो ये किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? जी, ये सिंध गवर्नमेंट ने जो फ्लड के विक्टिम पीपल है उनकी मदद करने के लिए ये सब अनाउंस किया है। क्वेश्चन नंबर फोर, टू पार्टिसिपेट इन द कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप द पोलैंड टीम लेफ्ट फॉर दोहा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ। जी, आपको पता है पोलैंड जो कि फुटबॉल की टीम है, वो कतर फीफा वर्ल्ड कप के लिए रवाना हुई है, तो वो किसकी प्रोटेक्शन में रवाना हुई है? जी, 2F-16 जो प्लेन्स हैं उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं वो फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी दे रही हैं, तो इसलिए जो पोलैंड की टीम है उनको पोलैंड से लेकर दोहा तक लैंड करने के लिए उनको प्रोटेक्शन दी गई, 2F-16 प्लेन्स जो हैं वो उनको इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच प्लेयर हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू बी रैंक नंबर वन इन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। जी, ATP, ATP से हम बहुत ही वाकिफ हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल में कौन से प्लेयर हैं जो कि यंगेस्ट नंबर वन बन चुके हैं बिग फोर के अलावा। बिग फोर आपको पता है, रोजर फेडर और जो राफेल है, और इनके अलावा जो मतलब के चार जो टॉप पर रहते थे, लेकिन ये उनके अलावा, बिग फोर के अलावा ये प्लेयर हैं जो कि यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जो कि नंबर वन रैंक पर हैं, और इन्होंने हाल ही में US ओपन भी जीता था। तो इनका नेम क्या है? कार्लोस अल्काराज जो है इनका नेम है, जो कि यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं और रैंक नंबर वन पर हैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन के हवाले से। तो आपको याद रखिएगा ATP को। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु सेट टू गेट थर्ड टर्म एज अ फीफा अ प्रेसिडेंट। जी, फीफा प्रेसिडेंट जो थर्ड टर्म किन को बनाया गया है? गियानी इन्फेंटिनो को फीफा का थर्ड टर्म प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच पाकिस्तानी सिंगर नॉमिनेटेड सेकेंड टाइम फॉर ग्रैमी अवार्ड। जी, पाकिस्तान की कौन सी सिंगर हैं जो कि सेकेंड टाइम नॉमिनेट हुई हैं ग्रैमी अवार्ड के लिए? जी, अरूज आफ्ताब इनका नेम है, जो कि सेकेंड टाइम उनकी नॉमिनेशन हुई है ग्रैमी अवार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर एट, व्हेन वी ऑब्जर्व नेशनल एडॉप्शन डे इन एवरी ईयर। जी, हम कब नेशनल एडॉप्शन डे जो है वो हर साल मनाते हैं? जी, 19 नवंबर को नेशनल एडॉप्शन डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इस हवाले से बताया जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर
नाइन, व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल मेंस डे इन एवरी ईयर। जी कब इंटरनेशनल मेंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? जी ये भी 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल मेंस डे। और कुछ दिन पहले हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी पढ़ा था जो कि 17 नवंबर को था, और आज इंटरनेशनल मेंस डे है। अब हम बात करेंगे आज के हमारे क्विज की। क्वेश्चन नंबर वन, कैपिटल ऑफ क्यूबा इज? बाकू, यूरियन, ब्यूनस आयरिस, हवाना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि कैपिटल्स और करेंसीज ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर्स में एक आधे नंबर के जरूर आते हैं, तो आप इनको जरूर याद रखें और ये इंफॉर्मेशन होने भी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर टू, ग्वादर बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन विच ईयर? 1960, 1958, 1969, 1972। तो बताइए ग्वादर जो है वो पाकिस्तान का कब पार्ट बना और कितने में इसको खरीदा गया और कहां से पाकिस्तान ने, आई मीन किस कंट्री से इसको बाय किया था, तो ये भी जरूर बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, पिंग इज अ न्यू नेम ऑफ विच स्पोर्ट? पिंग किस स्पोर्ट को कहा जाता है? यंकिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, रोविंग। तो आप बताइए कि पिंग जो है वो किस गेम का दूसरा नेम है या नया नेम है। क्वेश्चन नंबर फोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ऑफ एल्युमिनियम इज? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मोनाजाइट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो एल्युमिनियम का वो कौन सा है, तो ये भी हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव, फिजियोथेरेपी इज अ प्रिटिव मेथड ऑफ हार्ट डिजीज, इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, क्रोसिस ऑफ द लिवर, ड्रग एडिक्शन। जी फिजियोथेरेपी वो जो है वो किस मर्ज के लिए इस्तेमाल की जाती है? हमने आपको ऑप्शन दिए, इसमें से आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। अब हम बात करेंगे जो हमने लास्ट अपना क्विज पढ़ा था 19 नवंबर को, सॉरी 18 नवंबर को, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया, उसके आंसर्स की। जी हमने पढ़ा था कि ओल्ड नेम ऑफ जॉब क्या है, फोर्ट सैंडमैन जो है उसका ओल्ड नेम है। जी जिना ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाय स्टैनले वॉलपार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही काफी सारी बुक्स हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से हैं, उनको बहुत ही ज्यादा उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन? जी हमने ये पूछा था, तो इसका आंसर है 13.40 मीटर। क्वेश्चन नंबर फोर, द गैस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यूज की जाती है। क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन हम और पूछेंगे कि जो हमारी कोक, आई मीन्स जो हमारी ये फिजी ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, इसके अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, इसका भी आप हमें आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू विच कलर? जी ह्यूमन आई जो है वो सेंसिटिव है ग्रीन कलर के लिए। इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैंने एक जगह पर रेड भी पढ़ा था और एक जगह पर यहाँ पर मुझे ग्रीन भी मिला, तो इसके लिए आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारी कंफ्यूजन को दूर करें। इससे हमारी भी लर्निंग होती है और आपकी भी लर्निंग होती है। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन को प्रमोट करें, और जिनके जिनके लिए मुश्किल हैं करंट अफेयर्स की या अपने जो टेस्ट वगैरह याद करने की या MCQs याद करने के लिए मुश्किल होती है, इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि रोज़ाना के अगर 5 से 10 MCQs भी अगर याद हो जाएं तो कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो इस तरह हम चाहते हैं कि सबकी हेल्प हो और हम खुद अपने नॉलेज के लिए भी ये वीडियो बनाते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी हौसला अफजाई करिए, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मज़ीद आपके लिए और वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।